Students, how are you? Hello, my dear students, how are you? क्या हाल? So, JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया आप लोगों का. ओके, JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट आप लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. ओके, अब यहाँ से सभी के सामने कुछ प्रॉब्लम्स हैं. बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी है, जेई के लिए भी जाना है, जेई मेंस, जेई एडवांस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, तमाम वीडियोस बन रहे हैं, है ना. तो मैंने कोई स्पेशल वीडियो नहीं बनाया, ये और ये सीधा लाइव है. और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो ये मास्टर ब्लास्टर सीरीज में लेके आ रहा हूँ, इसमें मैं डेली लेक्चर्स लूंगा आपके, अराउंड 5 to 6 डे इन अ वीक. टेस्ट भी इसमें ही कराऊंगा, आपको शीट्स भी दूंगा जिसमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे फॉर योर मेंस, फॉर योर एडवांस, फॉर योर बोर्ड्स. तो डिटेल में इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे. पहले एक बार मैं जरा कनेक्शन चेक कर लेता हूँ क्या सीन है. थोड़ा सा टेक्निकल चीजों की वजह से थोड़ा लेट हो गया लाइव आने में. एक बार इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ जाके. मेरा वॉइस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, माई वॉइस शुड बी वेरी वेरी क्लियर. एंड जस्ट सेकंड. जस्ट दिस वन विल बी. वॉइस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वीडियो शुड बी क्लियर. जो लोग लाइव आए हैं वो जरा चैट पे मेरे को बताएं. वॉइस एंड वीडियो शुड बी वेरी वेरी क्लियर. जस्ट अ सेकंड. पर इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ जाके. यस, वॉइस क्लियर है. एक बार मैं पूरा प्रॉपर वॉइस देख लेता हूँ. यस, वॉइस क्लियर, वीडियो भी मुझे क्लियर नजर आ रहा है. ओके, चलिए गुड. तो इसको मैं इधर साइड में रख देता हूँ ताकि मुझे आपके चैट्स वगैरह दिखते रहे. ओके. वॉइस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वीडियो शुड बी क्लियर. चलिए ठीक, गुड. नाउ कम टू द ओबीएस सेटिंग एंड प्रोजेक्टर प्रीव्यू ताकि मुझे दिखता रहे क्या काम चल रहा है. एंड नाउ माय नोट एंड अगेन. जस्ट That's it. इसको on the top, correct. इसको थोड़ा सा मैं, एक सेकंड बस, ये सेटिंग मेरी पूरी हो जाए दोस्तों, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ. करेक्ट. सो इस वीडियो में लाइव स्ट्रीमिंग में इसमें आपको जो ध्यान रखना है, अभी अभी करना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है. राइट. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है राइट नाउ आपके सामने कि आपको बोर्ड्स के लिए बड़ी टेंशन हो रही होगी. तो कोई टेंशन की बात नहीं है बोर्ड्स के लिए. उसके बाद फिर आप सोच रहे हैं कि यार मैं जेई को किस तरह से इससे कनेक्ट करूं, ये आप सोच रहे हैं. एंड आफ्टर दैट आप सोच रहे हैं कि जेई में भी मैं सिर्फ मेंस तक रहूं या मैं एडवांस के लिए भी जाऊं. तो इन सब चीजों को हम एक एक करके चेक करेंगे. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी होगी आज की डेट में, अगर आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया है और उसको अच्छे से एनालाइज किया है, तो आप ये समझ लें कि 2022
2023 का एग्जाम और उससे पहले 2022 का जेई एग्जाम और उससे पहले 2021 का जेई एग्जाम, ये तीनों एग्जाम्स की जितनी भी शिफ्ट्स हैं अगर आप उन सब को देखें गौर से तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं और यही हमारा जेई एडवांस का कॉन्सेप्ट है। जेई एडवांस में भी क्या होता है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई एडवांस में ये मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपके मोर देन टू और मोर देन थ्री कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। जेई में आपने देखा होगा टू और थ्री, मेंस के लिए मेंस में टू और थ्री कॉन्सेप्ट तो मिक्स यही किए गए हैं। क्वेश्चन की लेंथ बहुत रही है मैथ्स में और मैथ्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैथ्स टफ लगा। ओके, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन है, बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली ये जो जेई का मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आए हैं, बोर्ड्स में आपका सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं और जैसे यहां मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आता है ये स्किल में वो फेल हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपने पेपर दे लिया है जनवरी का, आपको समझ आ गया है कि आपने कितनी देर में वो पेपर अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चंस आप कर पाए उसमें, कितने सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस थे इजी और कितने उसमें मॉडरेट क्वेश्चंस थे जो मल्टी कॉन्सेप्ट थे और कितने उसमें टफ क्वेश्चंस थे जिनमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा थिंकिंग भी था और आपको उसमें लेंथ भी दिया था कैलकुलेशन में। ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। अब ये बात आती है कि इस सिनेरियो में जब आपसे बोर्ड्स कुछ ही दिन बाद आपके बोर्ड्स हैं तो आप बोर्ड्स के लिए जाएं, जी मेंस के लिए जाएं या जेई एडवांस के लिए जाएं, या इन तीनों की स्टडीज को किस तरह से आप क्लब करें। तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको एक अपना आइडिया दे रहा हूँ और ये बहुत ही कारगर आइडिया है, बहुत ही इसका इम्पेक्ट जबरदस्त रहा है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता रहा हूँ। इसमें देखो आपको करना क्या है, इसमें आपको क्या करना है, बोर्ड को अभी 100% बोर्ड की 100% आप बोर्ड्स पे लग जाओ और जेई मेंस को छोड़ दो तो आपके बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका एक महीना लगभग चला जाएगा इसमें, वो आपको नहीं करना है। आपको बोर्ड के लिए क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो मैथ्स है, हर सब्जेक्ट के लिए आप डिसाइड कर लो कि यार मेरे को वन एंड हाफ आवर बोर्ड का पढ़ना है। और अगर किसी सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा चाहिए, आपका वीक है, तो इसको 2 आवर पे ले जा सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम आप इसको 2 आवर पे ले जा सकते हो, 2 आवर यानी दो घंटे ये आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करना है। बोर्ड्स के लिए यानी आपको अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस है बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे, और इसी में आपको फिर बोर्ड के कुछ टेस्ट पेपर्स देने, ये आपका बोर्ड का प्रिपरेशन होना चाहिए। मैक्सिमम 2 आवर्स यानी 6 आवर्स आपने यहाँ दे दिए। नाउ अब आपको अपना जो स्टडी लेवल है वो एटलीस्ट 12 आवर का बनाना पड़ेगा, यानी जेई के लिए जब आप कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपको 6 आवर देना होगा। 6 आवर मतलब आपको इसमें 2 आवर फिजिक्स, 2 आवर केमिस्ट्री, 2 आवर मैथ्स, जेई के लिए आपको ये पैटर्न पकड़ना है, जेई मेंस स्लैश एडवांस, मेंस स्लैश एडवांस, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप ये नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब मेंस में भी यार मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एडवांस लेवल पे जाना ही पड़ेगा। और इसके लिए अब आपको क्या करना है, अब आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, प्लस जो ऑलरेडी आपका यहाँ बोर्ड में हो रहा है, ओके, प्लस आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट 3 इयर्स के ये जो है ना 2021, 2022, 2023, ये जेई मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस के पीवाईक्यू लगाने हैं जो हम इस सीरीज में लगवाएंगे आपसे। थ्योरी भी सीरीज में पूरी मैं आपको कराऊंगा और आपको जेई मेंस के लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यू यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा और किस तरह सॉल्व करते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ये मैं आपको यहाँ पे बता के चलूंगा, ओके। एंड अब बात करते हैं जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट 5 इयर्स के है ना पीवाईक्यू, पास्ट 5 इयर्स, या यू कैन से लास्ट 5 इयर्स, पास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यू हम करेंगे जेई एडवांस के लिए, जेई एडवांस के, ठीक है, वो भी यहीं पे करेंगे।
अब आप कहोगे सर इतना सब कुछ एक साथ कैसे होगा, तो इतना सब कुछ एक साथ ऐसे होगा बेटा, थ्योरी ऑलरेडी आप यहाँ बोर्ड्स पे कर रहे हो, बोर्ड लेवल पे जब आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, तो थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ हो रहा है कंप्लीट, है ना। यहाँ मैं थोड़ा स्पीड से थ्योरी को कवर अप कर दूंगा, जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा हाईलाइट करूंगा, जो बोर्ड्स में कई बार जो डेरिवेशन आते हैं वो आपको हाईलाइट करूंगा, ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी होती रहे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम मैंने सीरीज का रखा है मास्टर ब्लास्टर, यानी आपको मास्टरी भी करनी है और आपको ब्लास्ट भी करना है, ओके। मास्टर ब्लास्टर सीरीज, मास्टर ब्लास्टर सीरीज, मास्टर मतलब आपको कॉन्सेप्ट पर, थ्योरी पर, है ना, आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है आपका उस पर बहुत काम करना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करना है, जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वो अच्छे से करना है। ब्लास्टर मतलब आपको अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो आपका स्किल है वो बहुत अच्छे से डेवलप करना है, और क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप बात करें तो मेंस और एडवांस में बुकेट बनाओ और बन कर ये वो सब मैं यहाँ पे कराऊंगा आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको आपका 50% टाइम फिलहाल बोर्ड के लिए कंज्यूम करना है, यानी 6 आवर, ओके, और 50% टाइम आपको अपना जेई के लिए कंज्यूम करना है, यानी 6 आवर। तो 12 आवर का आपका शेड्यूल स्टडी का होना चाहिए, जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उस दिन को छोड़ के, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल बोर्ड्स के होंगे, कुछ जगह हो रहे हैं कुछ जगह होने हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं चैट बॉक्स को देख लूं क्या चल रहा है भाई। ओके, सो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है, ओके okay? तो इस चीजों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, बस दैट्स इट। बाकी सब कुछ मैं यहीं पे कराऊंगा, डेली 2 आवर्स में लाइव रहूंगा, जिसमें मैथ्स को मैं आपका जी एडवांस लेवल तक जाऊंगा, कहां से, आपके बोर्ड लेवल से, कहां से, आपके बोर्ड लेवल से, यानी हर एक चैप्टर पे, हर एक चैप्टर चैप्टर हम थोड़ा सा चूज करेंगे किस तरह से करना है। जैसे स्टार्टिंग में मैं वो चैप्टर उठाऊंगा जो चैप्टर आप लास्ट में करते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर यूनिट में उठाने जा रहा हूं वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, ठीक है। सबसे पहले ये आप देख लें, बोर्ड्स में इसका काफी वेटेज है। अगर मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूं तो वेक्टर, लाइन, प्लेन मतलब 22 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं महाराष्ट्र बोर्ड में, HSC, ठीक है। और अगर CBSE की बात की जाए तो CBSE में भी आई थिंक ये आपका कुछ 12 मार्क्स तक का आता है, कुछ 2-4 नंबर इधर उधर, राइट। और ISC में भी ये काफी अच्छा इसका वेटेज है, ठीक है, बोर्ड्स में इस चैप्टर का। और अगर मैं JEE मेंस की बात करूं, मेंस की, तो मेंस में आपको 3 क्वेश्चंस इजीली, बहुत इजीली मिल रहे हैं लाइन और प्लेन से केवल, है ना। और वेक्टर को अगर मैं ऐड कर दूं तो 1 क्वेश्चन और ले लो, तो 4 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही रहे हैं। 4 क्वेश्चन मतलब आपका 16 मार्क्स, यानी 16% ये यूनिट आपको दे रही है। और आप इसमें क्या करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार आप कर लोगे, वेक्टर में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, सिंपल है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, यही सब चीजें हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप जैसी लाइन और प्लेन में एंट्री करते हो, 3D में एंट्री करते हो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप एंट्री करते हो, तो फिर वहां आपके तोते उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि इस चैप्टर को आपको कई कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि आपके ये मार्क्स फिक्स हो जाए। और एक बार ये चैप्टर आपके ब्रेन में आया तो आप ये समझ लो, ये भले ही JEE मेंस या JEE एडवांस किसी भी लेवल पे आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए, कितने ही कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर दिए जाए, वो बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं जाता है, ओके। मतलब एक बार एंट्री होनी चाहिए बस कॉन्सेप्ट की, जब तक कॉन्सेप्ट की एंट्री आपके ब्रेन में नहीं हो रही है तब तक आपको प्रॉब्लम है इस चैप्टर में। और एक बार आपने एंट्री कर लिया, उसके बाद आपने क्या इसको रिवाइज किया, देन दिस चैप्टर इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा पेइंग चैप्टर है। तो फर्स्ट यूनिट मैं ये उठाऊंगा वेक्टर, एंड आफ्टर दिस यहां से आप समझ लो आपके 12 टू 16 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, अगर आप साथ के साथ 2021, 2022, 2023 का जेन अटेम्प्ट इसके PYQs लगा लोगे तो JEE मेंस कंफर्म। और इसी में लास्ट 5 ईयर्स के एडवांस, 5 ईयर्स के एडवांस, एडवांस वाला पार्ट आप कर लोगे तो ये आपका एडवांस भी कवर हो गया इसमें। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है,
जिसे हम इग्नोर करते हैं, एट लास्ट टाइम पे देखते हैं कि यार एक बार देख लेंगे और हो जाएगा, तो वहां ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. गॉट इट? तो इस तरह से हम लोग लेके चलेंगे. फाइन, किसी का कोई क्वेरी हो, कोई स्टूडेंट किसी को कुछ पूछना हो, मेरे को चैट पे बोल सकता है. बहुत ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं कर रहा हूँ. मैं आपको सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है. आपको थियोरेटिकल पार्ट करना है पहले, बोर्ड प्रिपेयर्ड हो गया वहाँ पे, फिर आपको क्या करना है, आपको 2021, 2022, 2023 के PYQs करने हैं, बिकॉज मल्टी कॉन्सेप्ट है. वो करते वक्त आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगा इनिशियल लेवल पे, बट धीरे धीरे हम उसको कवर करेंगे और वहां से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है. यानी डेली के डेली आपको 6 आवर्स, जिसमें से 2 घंटे मैथ्स के लिए आपको निकालने हैं, बाकी 4 आवर्स आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए रखेंगे जेई के लिए, और 2 घंटा आपका हो गया बोर्ड का. तो सेम टाइम पे सेम चैप्टर आप कवर करें. अगर बोर्ड्स में भी आप वेक्टर लाइन प्लेन कर रहे हैं तो फिर जेई मेंस में भी उस दिन आप वेक्टर लाइन, ताकि आपका वो चैप्टर को 4 आवर मिल जाए, ओके, पर डे. तो इस तरह से आपको करना है. फाइन. और हम इस मास्टर ब्लास्टर सीरीज में जो टेक्निक यूज करेंगे वो मैंने पहले भी बताई है. दैट टेक्निक इज अगेन माय इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट. सेम टेक्निक हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त करेंगे. जब मैं प्रॉब्लम शुरू कराऊंगा PYQs में, तो वहां पहले मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो इजी कैटेगरी में आए हैं और आपने कितनी देर में, यानी 1.5 मिनट या 2 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो सॉल्व करने हैं आपको, ओके. और आपको कितना टाइम लगा होगा ये आपको आइडिया होगा. मॉडरेट, कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से मॉडरेट लेवल पे आए हैं और कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से डिफिकल्ट लेवल पे आए, और डिफिकल्ट लेवल पे आए हैं तो वो किस हद तक जाते हैं, कितने डिफिकल्ट होते हैं और कितना टाइम और एक्स्ट्रा उसमें लगता है, ये सारी चीजें हम लेके चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर टाइम के हिसाब से इस चीज को आपको बताऊं, तो कोई भी क्वेश्चन जो आपका 2 से 2.5 मिनट में हो रहा है उसे आप इजी लेवल पे रखेंगे. कोई भी क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल, यानी जिसमें आपका 3 मिनट से ऊपर का टाइम लग रहा है, 3.5 मिनट मॉडरेट में आ गया. और डिफिकल्ट मतलब जिसमें 4 मिनट तक जा रहे हैं, 4 मिनट से ऊपर लग रहा है, दैट इज योर डिफिकल्ट. तो इनको किस तरह से हैंडल करना है, कितने फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, किस किन फार्मूलाज पे रट्टा लगाना है और कौन से कॉन्सेप्ट समझने हैं, ये सब चीजों पर मैं फोकस करता हुआ चलूंगा, ओके. और मैं आपके साथ रहूंगा आपके एडवांस वाले दिन तक. ये सीरीज आपका, यानी मैथ्स में आप, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर ये सीरीज आप करते हैं तो डेफिनेटली इन योर जेई मेन यू विल गेट 85 प्लस मार्क्स की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस सीरीज को प्रॉपर करते हो, ओके. और जेई एडवांस में आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ. बट आपको डेली मेरे साथ 2 घंटे रहना है और उसके बाद फिर आपका प्रैक्टिस सेशन रखना है. तो यानी आपको आराम से अपना स्टडी टाइम जो इंक्रीज करके 12 से 16 घंटे तक लेके जाना है. अभी वो टाइम आ गया है, अब आप यहां से चुप नहीं बैठ सकते, ठीक है. ये तो हो गई बोर्ड्स वालों की बात. नाउ मैं बात करूंगा जो लोग ड्रॉपर हैं, है ना, जो लोग ड्रॉपर हैं, जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं वो भी सेम इसी सीरीज को ज्वाइन करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि उनका भी जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो स्ट्रांग होना है, उनका भी जो मेंस वाला पार्ट है वो स्ट्रांग होना है, जो एडवांस वाला पार्ट है वो उनका एडवांस वाला पार्ट भी स्ट्रांग होना है. तो इस सीरीज में ऐसा नहीं है कि ये सीरीज केवल बोर्ड्स के लिए और मैं बोर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करूंगा. मैं बोर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ मैं बोर्ड्स की बातें बता के चलूंगा कि ये कॉन्सेप्ट है, ये बोर्ड्स पे आएगा, करना आपको अलग से, वो कुछ सेल्फ स्टडी में करना है. यहाँ मैं कॉन्सेप्ट जब कराऊंगा वो टाइम पे बोर्ड की बातें करूंगा, और जैसे ही मैं क्वेश्चन स्किल पे आऊंगा, यानी मेंस एंड एडवांस लेवल. और मेंस और एडवांस लेवल में केवल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 10-15% का डिफरेंस है. मेरे साथ रहो जून तक, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैथ्स में 85% यू विल स्कोर इन योर जेई, चाहे वो मेंस हो चाहे वो आपका एडवांस हो. और एडवांस में अगर आप 85% स्कोर कर गए ना मैथ्स में, तो अकेला सब्जेक्ट आप, और बाकी सब्जेक्ट में कट ऑफ के ऊपर भी चले गए, तो अकेला सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन करा देगा IIT, समझे. तो आपको एंड तक रहना है मेरे साथ, ईमानदारी से रहना है, वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखना है, साथ के साथ समझना है, क्वेश्चंस करने, और साथ के साथ कुछ इसको आपको प्रैक्टिस सेशन में भी रहना है, ओके.
आपको प्रैक्टिस सेशन में भी रहना है. गॉट इट? सो किसी का कोई भी क्वेरी है वो मेरे को व्हाट्सएप करो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर. मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ इससे पहले. ओके सो चलिए देखते हैं. लेट्स बिगिन द गेम और अच्छे से चीजों को स्टार्ट करते हैं. थोड़ा टाइम मैंने लिया है आज आपका. अभी मैं सीधे क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट पे मूव करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो ड्रॉपर को भी साथ रहना जो लोग ड्रॉपर्स हैं, राइट. चलिए, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग मैं ये अज्यूम करके चलूंगा और मुझे ये करना भी चाहिए एट दिस स्टेज कि आपको बेसिक्स, आप एटलीस्ट आपको किसी भी चैप्टर का एक्सपोजर एक बार है. ठीक है ना? तो जब मैं बात करता हूं वेक्टर लाइन एंड प्लेन की इन 3D, है ना, लाइन प्लेन इन 3D, जब मैं इस चैप्टर की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में 12 मार्क्स एंटर करते हैं जेई के, प्लस मेरे दिमाग में एंट्री करता है कि यार बोर्ड में इसका काफी बड़ा वेटेज है, बोर्ड्स में भी काफी वेटेजेस का, और ये कनेक्टेड है आपका वेक्टर से. तो फिलहाल मैं चाहता हूं कि वेक्टर की जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए. इज इट क्लियर? तो सबसे बेसिक चीज वेक्टर की, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द वेक्टर AB, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. यहां से हम सिंपल सी बात से शुरू करते हैं जो सबको अच्छे से पता होगा. ओके, किसी भी वेक्टर के लिए AB इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. सेकंड थिंग यू शुड नो अबाउट द वेक्टर इज यूनिट वेक्टर AB कैप. AB कैप मतलब वेक्टर AB को डिवाइड कर दो इसके मॉडुलस. मतलब कोई भी वेक्टर अगर AB है आपके पास, इस वेक्टर की डायरेक्शन में 1 यूनिट, इसमें से 1 यूनिट आप काट ले, That one unit is your unit vector. और ये किसके लिए responsible होता है? हम इसको किस तरह use करते हैं? हम use करते हैं इसको direction के लिए, for the direction, 1 unit, okay? और इसको करने का तरीका क्या है? अगर total vector का mod कितना है, AB है, तो इससे हम vector को divide करते हैं, तो I'll get my 1 unit. So this is my unit vector, okay? Generally हम इसको I cap, J cap along the x-axis, y-axis, और normal vector के लिए हम N cap use करते हैं, या उस vector के ऊपर cap लगा देते हैं. ये सब चीजें आपको पता है, बस ऐसी मैं बता रहा हूँ, fine. And इसके बाद addition, triangle law, parallelogram law, ये सब आपको अच्छे से पता है, तो उस पर मैं बहुत ज्यादा भी नहीं जा रहा हूँ. Now come to the product. सबसे पहले हम बात करते हैं, suppose vector आपके पास है A और एक वेक्टर आपके पास B, और आपको इसका A डॉट B यानी इसका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है. प्रोडक्ट आप जानते हैं दो तरह का होता है, एक आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया और एक हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है ना? तो ये बेसिक चीजें, सब इसमें कुछ खास बातें नहीं है. A डॉट B इज योर मॉडुलस ऑफ A इनटू मॉडुलस ऑफ B, ओके, कॉस थीटा. यानी इफ यू हैव टू वेक्टर्स, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर सपोज ये है, एक वेक्टर सपोज ये है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच के जो एंगल्स हैं, दिस इज सपोज वेक्टर ए, दिस इज सपोज वेक्टर बी, एंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स सपोज थीटा, करेक्ट. सो डॉट प्रोडक्ट विल बी योर AB कॉस थीटा, ओके. एंड ये जो डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली ए, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है. AB कॉस थीटा, देखो कहीं भी आपको डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है. मॉड ऑफ ए, नो डायरेक्शन, no direction, and this is cos function for this angle theta, so it is cos theta. तो ये हो गया आपका dot product. पहले इस dot product के बारे में ही बात कर लेते हैं सारी, ठीक है? इस dot product के बारे में बात करते हैं. If theta, पहले इस theta को थोड़ा check कर लें. If theta is equal to 90 degree, अगर ये theta अपना angle between two vectors 90 degree हो जाए, तब ये क्या हो जाएगा? Then this dot product will be your AB cos 90. Cos 90 आप सब लोग जानते हो बहुत ही अच्छे से, ये cos 90 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? It is nothing but zero. तो आपका जो dot product है ये बड़ा important है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है ना. जब भी
दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होंगे और यू कैन से परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका डॉट वेट क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ से चेक कर लेते हैं। सपोज वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये आपका वेक्टर ए है। देन योर वेक्टर बी, बी मैं इस तरह से डिफाइन कर लेता हूँ कंपोनेंट फॉर्म में, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक चीजें आपको पता है ना, मैं ये बिल्कुल अज्यूम करके चल रहा हूँ, राइट। सो बी इज इक्वल टू बी वन आई कैप बी टू जे कैप बी थ्री के कैप। देन डॉट प्रोडक्ट, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये इनका क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। फाइन, तो इस बिफोर मूविंग टू दिस मैं आपको बता दूं ये आई जे के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस आई जे के, सबको पता है वैसे ये सब चीजें आप लोगों को पता है, तो एक बार और बात कर लेते हैं आई जे के बारे में। अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड सपोज ये मेरा नेम को कुछ भी किसी को भी ले सकते हो आप, क्योंकि ये रोटेट कर सकता है। सो सपोज ये मैंने आई एक्सिस लिया, इसके अलॉन्ग मेरा आई कैप एक्स एक्सिस, इसके अलॉन्ग मेरा जे कैप, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया सपोज, एंड ये मेरा जेड एक्सिस हो गया, राइट। इसके अलॉन्ग मेरा के कैप, क्या यूनिट वेक्टर। फाइन, सो अगर मैं आई डॉट आई की बात करूं, आई डॉट आई ओके, जे डॉट जे एंड के डॉट के, इसकी बात करते हैं। तो आई डॉट आई, आई और आई के बीच में क्या एंगल है? जीरो एंगल। सो इट विल बी योर यूनिट वेक्टर इन मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन होता है। तो इट विल बी योर वन इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो भी क्या होता है? वन होता है। सो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू वन, इन तीनों का वैल्यू क्या होगा? वन हो जाएगा। बट जैसे ही मैं बात करता हूँ इस आई जे के में डिफरेंट वैक्टर के साथ डॉट वेट कराता हूँ, आई डॉट जे जानते हुए सब चीजें, मतलब इनिशियल टाइम है तो मैं एक बार रिवाइज कर दूं, ठीक है, सिंपल सी बातें। आई डॉट जे बोर्ड में ये यहीं से रेड चीजें पूछी जाएंगी, आई डॉट जे इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका, देख लो जरा, मॉडुलस ऑफ आई यानी वन, मॉडुलस ऑफ जे यानी वन, एंड एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री। आई और जे के बीच का जो ये एंगल है दैट इज योर 90 डिग्री, सो इट इज योर कॉस 90, कॉस 90 यानी जीरो, सो इट विल बी जीरो। सो यू कैन से दैट आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू k dot i is equal to zero, ये क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। ओके, अब वापस यहाँ पे ए बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ कंपोनेंट फॉर्म का, तो ये आपको बहुत अच्छा लगता है और बहुत इजी भी लगता है। योर ए डॉट बी इज नथिंग बट कितना, आई आई वाला वन हो जाएगा और आई जे आई के वाला जीरो हो जाएगा, ऐसी जे जे वाला वन और बाकी जे दोनों के साथ जीरो रिटर्न करें, ऐसी के 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 साथ वन, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, करेक्ट। सो ये आपका आ गया, दिस इज राइट। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, सो यहां की फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन योर ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री विल बी जीरो, ये आपको हमेशा याद रखना, ये बहुत बहुत काम आने वाला है, स्पेशली लाइन्स इन थ्री डी, प्लेन इन थ्री डी, ठीक है ना। जब हम बात करेंगे तो यहाँ ये हम बार बार हमें पता चलेगा, परपेंडिकुलर जहाँ भी दो लाइन से हो जाएंगी तब क्या होगा, दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे, वहां क्या होगा, तो ये चीज बहुत वेक्टर, सारा गेम वहां पे वेक्टर में चल रहा है 3D में, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड थिंग, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज जीरो, और यू कैन से वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, और वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, है ना, दोनों ही कंडीशन में कोलिनियर है, दोनों ही कंडीशन में क्या होने वाला है ये गौर से देख लो। दोनों कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ वेक्टर बी, सिमिलरली, ठीक है। और अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में बात करूं, देन माय इफ ए इज माय ए, ए इफ लिख देता हूं कंपोनेंट फॉर्म में एक बार, इफ ए इज ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, and vector b is my b1 i cap plus b2 j cap
प्लस बी थ्री के कैप, और दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो देखो क्या हो जाएगा, इनका यहाँ से रेशियो चेक कर सकते हो आप, ए अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, ये हर हाल में क्या रहने वाला है, लैम्डा ही रहने वाला है. तो यहाँ से रेशियो ऑफ द सेपरेट कंपोनेंट्स अगर हम लें तो इट विल गिव यू दैट ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन बी थ्री. ये हो गया आपका पैरेलल वाली कंडीशन. तो दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन दिस एंड फ्रॉम दिस रेशियो इज लैम्डा एंड इफ दीज टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म आई जे के देन इट विल बी योर ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू ए थ्री अपॉन बी थ्री. ये बिल्कुल बेसिक बातें मैं कर रहा हूँ, कुछ इसमें स्पेशल बातें मैं अभी नहीं कर रहा हूँ. दीज आर वेरी वेरी बेसिक थिंग्स, ओके, वेरी वेरी बेसिक थिंग्स. तो अगर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे, वैसे इसमें कोई डाउट आने वाली चीजें भी है नहीं, दीज आर वेरी सिंपल एंड कॉमन थिंग्स, बट ठीक है, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से ही हम लेके एक बार चलते हैं. तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और यू कैन से द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट. नाउ आफ्टर दिस डॉट प्रोडक्ट After this dot product, I'm talking about the cross product or the vector product. मैं किसकी बात करता हूँ? Vector product की बात कर लेता हूँ, ठीक है? A vector product of two vectors. ये भी सब आपको अच्छे से पता है. We can write it A cross B, okay? And it is your AB sin theta, but direction is there, which is called n cap. देख लो, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में मैं डायरेक्शन लिख रहा हूँ. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप. सो इम्पॉर्टेंट चीज ये है, अगर मैं इस क्रॉस को, ए क्रॉस बी को, इस ए क्रॉस बी को अगर मैं कोई वेक्टर आर ले लू, कोई भी वेक्टर आर अगर मैं इसे ले लू, तो इस आर की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस आर. इस आर की डायरेक्शन होगी, गौर से देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कोई ये एक हमारा प्लेन है, बेसिक नॉलेज आपके पास प्लेन की होनी चाहिए, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज प्लेन की है. इस प्लेन में आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है एंड एक वेक्टर ये आपका बी है, दिस इज योर वेक्टर बी. तो इन दोनों वेक्टर्स पर जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है, जो दोनों पर परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर, मतलब इस एंटायर प्लेन पर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर क्या होने वाला है, वेक्टर आर होने वाला है. दिस वेक्टर आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, ओके. और फिजिक्स में आपने करा होगा राइट हैंड थंब रूल, यानी आप क्या करते हो, किसी भी एक वेक्टर, जिस वेक्टर से आपका, दिस इज द एंगल, ये आपका थीटा है, तो आप ए पर इस तरह से अपना ये हथेली को रखें, हाथ को इस तरह से रखें वेक्टर ए पर, और इसको आप ऐसे कर्ल करो. अगर इस पूरे 180 वाले रीजन में वेक्टर बी आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, या आउटवर्ड भी बोलते हैं इसको. और अगर ये वेक्टर बी इधर नहीं आ रहा है, मतलब ये वेक्टर बी कहाँ होता, सपोज मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूँ, सपोज ये वेक्टर बी यहाँ पे होता, ये जस्ट अ सेकेंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इधर होता, सपोज ये वेक्टर बी, ओके, इधर ना होके इधर होता. जब आप ए रख के ऐसे घुमाते हैं इसको, तो ये कहाँ होता वेक्टर बी, ये वेक्टर बी आपको यहाँ से यहाँ तक में नहीं मिलता है ना, 180 वाले रीजन में ये इधर आता. तो इसका मतलब फिर क्या है, फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन नहीं होती, देन ये अपवर्ड डायरेक्शन नहीं होती, फिर ये क्या होती, कर्ल में नहीं आ रहा, तो फिर ये डाउनवर्ड हो जाती है, इनवर्ड हो जाती है, इसको आउटवर्ड इनवर्ड बोलते हैं, ओके. यानी अगर कर्ल में वो वेक्टर आ जा रहा है 180 के रीजन में तो अपवर्ड डायरेक्शन, और अगर कर्ल में वो नहीं आ रहा है देन इट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यू कैन से इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. सो ये ए क्रॉस बी वेक्टर आर होगा परपेंडिकुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड. अपवर्ड यानी आपको कर्ल बना के देखना होगा, बट ये मैथ्स में इतना ज्यादा यूज नहीं होता, समवेयर कहीं पे यूज होगा, बट फिजिक्स में ये बहुत यूज होगा आपका डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट करने के लिए काफी जगह पर, ओके. So vector product of two vectors A cross B is equal to your AB sin theta n cap, AB sin theta n cap, okay. And इसका जो direction होगा, ये n cap जो होगा,
ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए एज वेल एज बी और परपेंडिकुलर टू एंटायर प्लेन वेयर दीज टू वेक्टर्स लाइज। ओके, जहां ये दोनों वेक्टर लाई करेंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, वो अपवर्ड भी हो सकती है, वो डाउनवर्ड भी हो सकती है, वो आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो। गॉट इट? सो ये सिंपल सी बात है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमें किसी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना होगा, सपोज मुझे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे निकालना है दोनों पर साइमल्टेनियसली, तो मैं क्या कर दूंगा, सीधा इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगा, एंड दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज योर ए बी साइन थीटा एन कैप। ओके, बट अगर यही आपको किस फॉर्म में दिया गया, यही आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं, अगर ये आपको किस फॉर्म में दिए गए हैं बेटा, कंपोनेंट फॉर्म में ये आपको दिए गए हैं, किस फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में, यानी वेक्टर ए इज गिवन टू यू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप एंड वेक्टर बी इज गिवन टू यू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, देन योर ए क्रॉस बी विल बी योर आई जे के, है ना, डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं, सभी आप जानते होंगे, जस्ट रिवाइज हो रहा है आपका ये ए वन ए टू ए थ्री एंड योर बी वन बी टू बी थ्री, गॉट इट? सो ये आपका ए क्रॉस बी आ गया, यहां से इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी एंड दिस ए क्रॉस बी, ये जो वेक्टर यहां से आर मिलने वाला है, अगेन मैं बता रहा हूँ, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड इन टू वेक्टर्स की जब मैं बात करूंगा तो ऑलवेज मैं ए डॉट बी यूज करूंगा, इट इज माई ए बी कॉस थीटा, राइट? सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, राइट? इस तरह से मैं एंगल यूज करूंगा, एंगल फाइंड आउट करूंगा लाइन बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, कहीं भी हो वो वेक्टर्स, कुछ भी हो वो वेक्टर्स, लाइन की फॉर्म में हो वेक्टर्स, कुछ प्लेन से रिलेटेड हो, तो हमेशा मैं डॉट वर्ड यूज करूंगा बिटवीन टू वेक्टर्स, गॉट इट? सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अब ये आई जे के फॉर्म में होंगे तो यहाँ ऊपर ए डॉट भी आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है, ये सब आपने किया हुआ है। ओके, एक बार और देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ए डॉट बी की बात करूँ तो ए डॉट बी इज योर ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, और मॉडुलस ऑफ ए की बात करूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बी की मैं अगर बात करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये ऊपर आ गया आपका यहाँ पे, राइट? यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू योर ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री और अपॉन में मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, राइट? रूट ऑफ ये ए वन फॉर्म और ये रूट ऑफ ये बी वन स्क्वायर वाला, गॉट इट? सो इस तरह से ये हमारा चलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, कोई देखता हूँ चैट पे कुछ है क्या। ओके, राइट, करेक्ट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन दैट ये आपका आ गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हमेशा इसमें आप डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे, कॉस थीटा का यूज करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, एंगल फाइंड आउट करते हो। तो आप देखो ये यही सारी चीजें आपकी यूज होने वाली है लाइन में प्लेन में, जो पूरा वेक्टर का गेम है वो पूरा उधर यूज होने वाला है। फाइन, चलिए, सो बेसिक बेसिक सी चीजें हो गई है मोर ऑर लेस, अब हम शुरू करते हैं यहां से, आई वांट टू स्टार्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, किसके लिए, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इन 3D। सबसे पहले 3D में स्ट्रेट, तो जब हम 3D में स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं बेटा,
3D में स्ट्रेट लाइन की बात करने का मतलब हो गया कि आपको जस्ट सेकेंड, या ये मैं एक एक्सेस इधर बना देता हूँ, और ये मैंने एक एक्सेस इधर से ले लेता हूँ, थोड़ा सही बन जाएगा। ये बनाया, और फिर से मैं इसको लेता हूँ, ये मैंने ये इस तरह से। तो 3D की जब मैं बात करूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द 3D, ठीक है, इसको वाइट ही रखते हैं। एंड इस 3D में मैं स्ट्रेट लाइन की जब मैं बात करता हूँ, तो जो सबसे बेसिक चीज है वो क्या होनी चाहिए वो आप देखिए। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, ये मैं कोई भी स्ट्रेट लाइन यहां से मैंने ले लिया। सपोज मैं यहीं से ले रहा हूँ, ओरिजिन से, ये कोई स्ट्रेट लाइन मैंने लिया। अब ये स्ट्रेट लाइन इन योर 3D, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय जेड एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से सपोज अल्फा एंगल ड्रॉ कर रही है, वाई एक्सिस से सपोज ये बीटा एंगल ड्रॉ कर रही है, ओके, और जेड एक्सिस से सपोज ये गामा एंगल ड्रॉ कर रही है। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है, दीज अल्फा बीटा, दिस इज माय लाइन L1, ओके, ये लाइन L1 एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा। इन अल्फा बीटा गामा को हम क्या बोलते हैं, हमें बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन एंगल्स हैं, इन डायरेक्शन एंगल्स के कॉस को, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, DCS। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये अल्फा बीटा गामा है, ये जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा, दीज आर द यूनिकनेस ऑफ दिस लाइन। ये लाइन L1 एक्स एक्सिस, एज्यूम करके चल रहा हूँ भाई, बेसिक आपको पता है, बिकॉज आप बोर्ड लिखने जा रहे हो, इसलिए एक बार पूरा रिवाइज करो। और ये जो LMN के प्रोपोर्शनल नंबर्स होते हैं, उन प्रोपोर्शनल नंबर्स को हम बोलते हैं ABC, ओके। और ये ABC क्या है, सपोज इस L में मैं K से मल्टीप्लाई करा दूं, ओके, या लैम्डा से मल्टीप्लाई करा दूं, या K1 से मल्टीप्लाई करा दूं थ्रू आउट दिस नंबर LMN, तो मेरे को क्या मिल जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करा के रेशियो को चेंज कर सकते हैं, राइट। सो यूनिक प्रॉपर्टी LMN और डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो यूनिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, वहां से आपको इनफाइनाइट नंबर्स मिलने वाले हैं। इज दिस क्लियर? तो कोई भी वेक्टर जो दिया जाता है वो आपको डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में दिया जाता है, राइट। और उस डायरेक्शन रेशियो से फिर हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं, वो रिलेशन हम अभी मेंटेन करने वाले हैं। गॉट इट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिक से हम लोग, मैंने बोला मास्टर ब्लास्टर सीरीज, मतलब आपको कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करनी है, आपको